राष्ट्रीय राजधानी में पानी की किल्लत पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखी है। राज्य सरकार के मुताबिक हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का यमुना का पानी नहीं मिल रहा है। सरकार ने अपनी तरफ से पानी की सप्लाई के लिए उपाय किए हैं। पानी के टैंकरों के लिए वॉर रूम भी बना रही है। दिल्ली के मंत्री आतिशी की अध्यक्षता में गुरुवार को ही मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, मुख्य सचिव और दूसरे सीनियर अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक से पहले आतिशी ने वजीराबाद वाटर प्लांट का दौरा भी किया। हरियाणा जो पानी नहीं छोड़ रही है, उसकी वजह से दिल्ली में पानी की किल्लत एक इमरजेंसी सिचुएशन तक पहुंच गई है। हरियाणा सरकार की मनमानी की वजह से देश की राजधानी दिल्ली को हॉस्टेज नहीं होल्ड किया जा सकता। यहाँ पर पानी की तराही तराही नहीं क्रिएट की जा सकती। ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हरियाणा सरकार को निर्देश दे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना होगा। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के कई इलाकों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे राष्ट्रीय राजधानी में पानी की काफी कमी हो गई है। कई इलाकों के लोग दिन में एक बार आने वाले पानी के टैंकरों के भरोसे हैं। बहुत ही ज्यादा समस्या है। तरसती हुई गर्मी में लोगों को प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिलता है। 4000 की आबादी में एक छोटी सी टैंकर आती है, लोग परेशान होते हैं। मजबूरी में उसको वर्मे का पानी पीने के मजबूर हो जाते हैं, उससे बीमारियां फैल जाती है। कुछ लोग जिनके पास पैसे हैं वो खरीद के ले आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं, रिक्शा ठेली वाला की आबादी है, मजदूर की आबादी है, वो कहाँ से उतने पैसे लाएंगे, कहाँ से खरीद के लाएंगे। इसलिए मजबूरी में वो नलके का पानी पीते हैं, जो सरकार मना करती है। पानी में बीमारी है। लोगों का कहना है कि पानी भरने के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं और झगड़ा हो रहा है। एक बार आती है, सुबह 6 बजे आती है, 7 बजे चले जाती है, 1 घंटा की गाड़ी आती है। एक ही टैंकर आती है। कितनी समस्या है पानी को लेकर? गर्मी भी बहुत ज्यादा है और पानी इतना कम आता है। बहुत ज्यादा ही समस्या है। एक गाड़ी आती है, वो भी उसमें आधा पानी होती है और पब्लिक इतनी है कि भीड़ होती है और मार भी होती है। उसमें पानी बताई तो थी, एक जंग लड़ने की बराबर है पानी भरना हम सबको। दिल्ली सरकार ने बुधवार को पानी की बर्बादी पर 2000 रुपए के जुर्माने का ऐलान किया है और निगरानी के लिए 200 टीमें बनाई हैं। सरकार ने पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों में डबल शिफ्ट में ट्यूबवेल चलाने और टैंकरों का इस्तेमाल करने जैसे उपाय भी किए हैं।